हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ रेट जो सेल्स टोन का ब्रोकन है वो शेयर कर रही हूँ। ऐसे आपको वाइट में भी बहुत सॉफ्ट कलर में मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ रेट स्टॉक दिखा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा यम्मी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है रेट स्टोन का। ये आप देख सकते हैं, इधर पर बहुत सॉफ्ट सेल्स स्टोन है। देखिए ऐसे बिग चंक्स में आपको रेड ब्रोकन मिलेगा। आप वाइट ब्रोकन भी ले सकते हैं, मेरे पास वाइट ब्रोकन अवेलेबल है। और ये पानी में देने के साथ साथ ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इसका कलर मैं आप लोगों के साथ थोड़ा देर में पानी में दे के दिखाऊंगी। सब रेड कलर है, रेड कलर ऐसे समझ में नहीं आता है। देख सकते हैं, ये है किटकैट, ये चिप्स एंड ग्रुप्स, इधर पे है रेड बार एंड इधर रेड ट्रायंगल। मैं थोड़ा थोड़ा करके लिया हूँ, आप देख लीजिए। कलर देखिए इसका, पिंक पिंक कलर है, स्टोन पूरा पिंक शेड में है। देखिए ऐसे मेल्ट करेंगे तो इससे कलर निकलना स्टार्ट होगा। लेकिन ब्रोकन का स्टॉक बहुत ज़्यादा मेरे पास अच्छा वाला है, देख सकते हैं। ये है रेड स्टोन, बहुत ज़्यादा आर्दी वाला स्टॉक है, देख लीजिए। आप लोग ऑर्डर दे रहे हैं इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ रेड स्टोन का स्टॉक शेयर कर रही हूँ। सब कुछ मैं आप लोगों को कलर शेयर करूँगी, चिप्स ग्रुप्स सबका कलर मैं दिखाऊँगी। बहुत आर्दी वाला स्टॉक है, देखिए। ये है ग्रुप्स, पिंक कलर का रेड ग्रुप्स है। इधर पे देखिए रेड किटकैट है, बहुत आर्दी वाला स्टॉक है आप। और इधर पे देखिए, आज रेड स्टॉक दिखा रही हूँ। ऊपर वाला ये हिस्सा जिसमें येलो स्टोन है उसको आपको निकल के फिर इसको यूज़ करना है। मैं ऐसे ही रैंडम आप लोगों के साथ आज रेड स्टोन का स्टॉक दिखा रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा आर्दी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका एक एक पीस देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसे ही हाथ से ब्रोकन हो रहा है मेरा, कितना मोटा वाला पीस देखिए, ऐसे ही हाथ से ब्रोकन हो रहा है। और ग्रुप्स चिप्स आपको ऐसा शेप में मिलेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, देख सकते हैं। पतला पतला पिंक शेड में है, रेड भी आप बोल सकते हैं, सेम ही स्टोन है। रेड पिंक कुछ अलग नहीं होता है, सेम ही स्टॉक होता है। इसको अभी उठा के मैं अगर रखूं, देख सकते हैं इसका कलर देखिए, बिग स्टोन का। आप लोग ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर दीजिए। ये पूरा रेड स्टोन वाला स्टोन है। मैं एक एक करके इधर पे पानी में उठा के मैं रख रही हूँ। देखिए कलर देख लीजिए, मैं लाइट पे लेके दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एक एक पीस इससे ऐसे ब्रोकन होने लगता है। देखिए पिंक शेड में है। आप लोगों को अगर मैं क्यूब्स थोड़ा सा दिखाऊं और ट्रायंगल लेके इधर से चार पीस ट्रायंगल और दो पीस बार में अगर पानी में दे के दिखाऊं, बार भी देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इससे ना कलर भी उठने लगता है। देखिए रेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा देर पानी में रखेंगे तो इससे क्या होगा, लेयर निकलना स्टार्ट होगा, मतलब बार आपका टूटने लगेगा। इसलिए मैं ज़्यादातर रेड पानी में नहीं रखूँगी, तुरंत ही उठा देती हूँ। इधर पे आप देख लीजिए और इधर पे देखिए, इधर पे क्यूब और ट्रायंगल, क्यूब देखिए, क्यूब भी छोटा छोटा लेयर में ओपन हो रहा है। देखिए ये है ट्रायंगल, सब येलो, ऊपर से येलो लेयर है। इसको अच्छे से आपको साफ करके फिर रेड स्टोन ऐसे अंदर में निकलेगा, पूरा रेड वाला स्टॉक। देखिए ये है पिंक कलर का क्यूब, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आर्दी है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लग रहा है इसको क्रंच कर लूं, क्योंकि मुझे रेड स्टोन
ब्लैक स्टोन और वाइट स्टोन, ये तीनों कलर का स्टोन बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं। मैं आज रेड स्टॉक आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। देखिए पानी का कलर कैसे हो गया है, और देखिए ये पिंक कलर में है, देख सकते हैं ये। और देखिए ये है चिप्स, चिप्स भी आपका ऐसे रेड कलर में मिलेगा, और इससे ना धीरे धीरे कलर भी, तो आप लोग देख सकते हैं इधर पे मैं रेड स्टोन मैं आप लोगों के साथ ऐसे वाला चिप्स भी आपके पास पतला पतला चिप्स सेट में भी स्टोन अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए इधर पे रेड स्टोन का मैं आज स्टॉक दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है रेड वाला स्टोन, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको थोड़ा देर पानी में देने के साथ साथ ही ये पूरा सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे आपको रेड, ब्लैक एंड वाइट तीनों कलर का स्टोन मिल जाएगा। ये स्टोन बहुत ही अच्छा होता है, ये पतला वाला लेयर है, इसमें ज़्यादा किरकिरा होता है, लेकिन ऐसा वाला जो स्टोन है बिग पीसेस में ऐसे थिक में, ये सब स्टोन बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं अच्छा होता है। देखिए मोटा मोटा पीस मेरे पास अवेलेबल है स्टोन का, ऐसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हार्डी है। मुझे ब्लैक स्टोन और वाइट स्टोन ज़्यादा अच्छा लगता है। आप हमेशा स्टोन को ऐसे वॉश कर लीजिए फिर आप इसको यूज़ कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ इससे ना बहुत डस्ट निकलता है, मतलब ये स्टोन का जो डस्ट होता है ये इसमें बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि ये कटिंग के टाइम ये बहुत ही गंदा हो जाता है, और हम लोगों के पास आता है ऐसे ही आता है, तो हम लोग जब इसको पानी में वॉश करते हैं तो ऐसे इससे डस्ट निकलता है। मैं तो ऐसे हमेशा वॉश करके फिर मैं क्रंच करती हूँ, देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा आर्दी वाला स्टॉक है, देख सकते हैं। देखिए चलिए इसको पानी से उठा के मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स पानी से उठा के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं पानी से उठा के मैं ये स्टोन को शेयर कर रही हूँ, कितना ज़्यादा आर्दी है देख सकते हैं। ये बिग पीसेस में ऐसे होगा और लंबा पीसेस में आपको रेड स्टोन ऐसे मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। देखिए ये है स्टोन, किसी किसी में येलो शेड लगा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा यम्मी है, देख सकते हैं। ऐसे जो लेयर वाला पीस होता है ना ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है। देखिए बीच से ये टूट जाता है जब हम लोग पानी में देते हैं, ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। देखिए ये भी लेयर से खुलने लगा है, पिंक रेड भी बोल सकते हैं, हल्का नेचुरल स्टोन है। आज रेड का स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, इधर पे आपको बार भी शेयर कर दिया हूँ, ग्रुप्स, ट्रायंगल, पेंसिल भी अवेलेबल है, ऐसे पेंसिल भी आपको मिल जाएगा ऐसे छोटा छोटा पीसेस में ऐसे लंबा करके रेड पेंसिल। और इधर पे सब स्टॉक मैं लेके बैठी थी आप लोगों के साथ, किटकैट भी शेयर किया हूँ, किटकैट स्टोन रेड का। तो आप लोग ऑर्डर दीजिए, अपना ऑर्डर बुक कीजिए, और देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं ग्रुप्स को ज़्यादातर पानी में देके रखा नहीं जाता है, ये ऐसे ऐसे लेयर में खुलने लगता है, रेड बोलिए ब्लैक बोलिए ऐसे ओपन चूरा चूरा हो जाता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको मैं अभी क्रंच कर लूँगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, देख सकते छोटा छोटा पीसेस हैं, ये बहुत ही लेयर में ओपन हो रहा है। देखिए इससे भी लेयर ओपन हो रहा है, देखिए फुल ओपन हो गया, इसको क्रंच करना बहुत ज़्यादा इजी है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। आप लोग देख लीजिए, ये रेड वाला स्टॉक में आज आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। बहुत ज़्यादा यम्मी स्टॉक है। आप लोग अगर रेड स्टोन लेना चाहते हैं, बार, क्यूब, ट्रायंगल, ब्रोकन, आप लोग किटकैट ऑर्डर दे सकते हैं। देख लीजिए, मेरा हाथ देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टोन है।